खबर है कश्मीर के कुलगाम से, जहां जो एंड के गैश फाउंडेशन डीसी मोहम्मद अशरफ नाइक और डीसी कार्यालय कुलगाम में अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की लत और नशीली दवाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गो एंड के गैस फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जिला कुलगाम में कानून व्यवस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है। गो एंड के फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि 18 से 25 वर्ष की आयु तक के लड़कों ने किसी डर या धमकी के साथ ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी अपराध जो कि अंदरूनी जिले में हुए हैं, वे ऐसे ड्रग्स एडिक्टों के कारण हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुलगाम जिले में दवा आपूर्तिकर्ता श्रृंखला को खोखला करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, ताकि अधिक लड़कों को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाया जा सके और हम अपनी पीढ़ी को बचा सकें। आपका नाम? एडवोकेट शेख मुख्तार। जी सर, आप जो आज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन के लिए कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ है और आज इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? इट इज़ वेरी मोस्ट अनफॉर्चुनेट येट सम कॉमन एडिक्शन ड्रग एडिक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज इन दिस अर्थ इन दिस वर्ल्ड एंड हियर वी आर हियर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैनर under the banner of J&K Gosh Foundation Kulgam we are protesting against drug addiction. We the Kulgamites are here and protesting against the such drug addiction, because first we have to see that the drug addiction drugs where it comes. It is available in the market because the administration agencies are not putting the agencies into the action, so that the such drugs may not be available in the market. When such drugs may not be available in the market, overall it will curb the drug addiction cases and it will be better for society. जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद बताया कि ड्रग एडिक्शन के बारे में, बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जो अभी भी ड्रग्स कर रहे हैं या ड्रग एडिक्शन में फंस गए हैं, उन पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मशवरा है कि कैसे वो अपने बच्चों को वापस ला सकते हैं? इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द यूथ यंगर जनरेशन दे आर बिकम प्रे ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द सुपरविजन फ्रॉम द सुपरवाइजर्स हु आर देयर हेड्स ऑफ द फैमिली they have not supervised them properly, and one of the factor is that one of the most factor is due to the economic status and why the youngsters are taking such drugs, economic status, and one of the most factor is that traumatic life that we are in the present system we are going, and it is one of the factor why the youngsters are taking drugs. J&K Gosh Foundation Kulgam ने प्रोटेस्ट रखा था यहाँ कुलगाम में, जिसमें सारे लोगों ने शिरकत की है। ये ड्रग एडिक्शन के खिलाफ था प्रोटेस्ट, क्योंकि डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है हमारे कुलगाम में ड्रग एडिक्शन से। रिसेंटली हमारे यहाँ टाउन में एक नौजवान की भी डेथ हुई है ड्रग एडिक्शन को लेके। इस सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट रखा, स्टूडेंट्स आए, कुछ यूथ्स आए, हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी रिसेंटली बहुत सारे ड्रग फिल्डर्स जिनको अरेस्ट किया गया, दे आर बुकड अंडर द लॉ, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। और आज हम डी सी साहब से भी मतलब गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर बना था, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई कम से कम 1.5 लाख के ऊपर, 2 लाख तक उसकी लागत आई थी, लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं हो रहा है। जो भी इसमें जो हमारे बच्चे मुब्तला हुए हैं उनको ऑलरेडी वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन अनफंक्शनल की वजह से नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में हम डीसी साहब से गुजारिश की है कि उसको फंक्शनल बनाएँ। दूसरा ये कि ATTS कुछ स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उसमें फंड्स भी उसमें रिलीज़ हुए हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अथॉरिटी उसको उस प्रोग्राम को ज़मीनी सतह पे नहीं ला रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोगों ने डीसी साहब से गुजारिश की और मेमोरेंडम पेश किया, तो आप लोगों के वसादत से हम अपने
जहाँ जितने लोग हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में या कुछ और भी जो सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों का कुछ अच्छी तरीके से ख्याल रखें, कॉलेज जाते वक्त या स्कूल जाते वक्त उनको सुपरवाइज करें, कि क्योंकि एक बार ड्रग में मुब्तला हो गए तो फिर बच्चे का या नौजवान का वापस आना बहुत ही दुश्वार होता है। और हम जिस जो लोगों से भी जो मस्जिद में इमाम साहब है वो भी अपनी तरीके से अपने मुक्तदी को कहे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जो फैल रही है। और आप लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि मीडिया पर्सनस जो है आपका बहुत बड़ा रोल है समाज में, आप भी अपनी तरीके से लोगों को मतलब अवेयर करें कि ड्रग एडिक्शन के और खिलाफ हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर इस समाज को और इस समाज के जो जितने भी यहाँ इस समाज को इस गंदगी से खत्म करें। R9 भारत के लिए जाबाज नायक की रिपोर्ट, कुलगाम, कश्मीर। वन संपदा हमारी धरोहर है, हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए और कटते हुए वनों के विषय में सोचना भी चाहिए। ऐसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सिंगला ने आज टाउन हॉल अंचल अनंतनाग में वृक्षारोपण जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा मुनिपाल समिति के साथ मिलकर किया गया। R9 भारत के लिए मलिक निसार की रिपोर्ट, कश्मीर, भारत। बात करें श्रीनगर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पूर्व कश्मीर के चीफ मंत्री ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच तावे का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों को गुप्त वार्ता से आगे बढ़ना होगा और कश्मीर के लिए सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए खुली बातचीत हेतु मेज पर शामिल होना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पार्टी कार्यालय में एक पार्टी समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि नेका ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति पर्व का स्वागत किया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि युद्ध कोई हल नहीं है और सभी मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। नहीं जानता कि यह दोनों देश एक दूसरे से करीब कैसे आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान नेतृत्व को गुप्त वार्ता से आगे बढ़ाकर एक खुली बातचीत हेतु टेबल में शामिल हों। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की ED की पूछताछ के बारे में उमर का कहना था कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक महबूबा एकमात्र नेता नहीं है जिन्हें तलब किया गया था। जहां कहीं भी नेताओं को बुलाया जा रहा है, नेताओं को पूछताछ के रूप में इसका सम्मान करना पड़ेगा और उन्हें जाना भी पड़ेगा। उन्होंने पिछले 8 वर्षों से देखा है विरोध करते हुए केंद्र की नीतियों को एजेंसियों द्वारा बुलाया जा रहा है, इसका सामना करने के लिए भी वह तैयार है। उन्होंने कहा कि मेज वार्ता से ही भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध सुधर सकते हैं। मैं इसमें जाऊंगा, ये किसी की मजबूरी है या किसी की संजीदगी है, जो भी है अच्छा है। हमने हमेशा कहा है कि इन दो मुल्कों की दोस्ती में ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे साउथ एशिया की बेहतरी है। अच्छा है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे को धमकी देने के बजाय अब दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो फिलहाल जहां तक सुनने में आया है खुफिया तौर बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए जबकि खुल्लम खुल्ला वो एक दूसरे के साथ मेज़ के आर पार बैठ के तमाम मसलों पर बात करें। मसलों की कमी नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो चाहे और मसले हो, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है इन तमाम मसलों का हल हो। तो आवाम को एतमाद में लाने के लिए क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी कैद में है, नौजवान भी है, लीडरान भी है। लेकिन अब हम अपनी जगह तो अपनी बात कर सकते हैं। आवाम को अपने साथ लाना या आवाम को रीअश्योर करना, तो उनको मतलब एतमाद में लाना, ये हुकूमत का काम है। बदकिस्मती से यहाँ पे फिलहाल तो गवर्नर राज का ही दौर चल रहा है, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके जो अफसरान हैं उनकी मजबूरी या उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ के लोगों को एतमाद में लें और उनको बताएं कि उनके लिए क्या बेहतर सोचा जा रहा है। ED ने तलब किया पहले, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आसाम से लेके गुजरात, ना महबूबा मुफ्ती पहली लीडर है ना वो आखिरी लीडर होगी। बदकिस्मती से पिछले 6-8 सालों में ये हमारा तजुर्बा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत की मुखालफत की कीमत इन एजेंसियों के तरफ से
पेशरफ्त में जो है हमसे ली जाती है। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे मजबूती से उनका मुकाबला किया जाएगा। और कुछ थैंक यू सर। R9 भारत के लिए मलिक निसार की रिपोर्ट, कश्मीर, भारत।